जी, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में और भूमि सेल्फ जर्नी में। आज का व्लॉग में मेरा स्किन केयर के बारे में आपको दिखाना चाहती हूँ। आज का व्लॉग शुरू करेंगे। भूमि देख लीजिए नहा के, आज हेड बाथ कर लिया है। हम सैटरडे जाने वाला है ना, तो मोस्टली हम फ्राइडे नहीं लेता है हेड बाथ, सैटरडे देती हूँ। तो मैं सोचा हूँ ठीक है, सैटरडे सुबह सुबह जाना है तो ठंडा लग जाएगा इसको हेड बाथ करने में, इसलिए आज ही दे दिया मैंने। इसलिए इसका बाल ऐसे दिख रही है, डीजे टिल्लू जैसे। आई हैव ऑलरेडी डन माई फेस वॉश, इसीलिए डायरेक्टली मैं मिल्क से एक बार क्लीन कर लेती हूँ। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं करता है। एक बार गूगल करके देख लीजिए मिल्क के वजह से कितना ग्लो आता है हमारे स्किन में, आपको पता चल जाएगा। ईयर्स का प्लेसेस में, नोज एजेस और लिप्स का एजेस में बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, अप्लाई नहीं करता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसमें भी डर्ट होता है, इसलिए आराम से बैठ के आपका खुद का टाइम ले लीजिए। अपवर्ड्स में ही करने के लिए कोशिश कर लीजिए। उधर भूमि सो रही है इसलिए मैंने सेल्फ टाइम ले लिया। अच्छा से अप्लाई कर रही हूँ, मिल्क से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद इसको ड्राई कर लीजिए चाहिए तो, नहीं हो तो फेस मसाज कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली फेस मसाज कर लेती हूँ, जब वेट होते हैं ना उसी समय कर लीजिए। प्लीज़ ड्राई होने के बाद मत कीजिए, इससे क्या होता है आपका स्किन मिल्क के वजह से टाइटन हो जाता है, और उस समय आप मसाज करेगा तो स्किन लूज होने का चांसेस होता है। इसीलिए ड्राई होने के बाद प्लीज़ मत कीजिए, वेट का टाइम पे ही आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं होते तो डायरेक्टली ड्राई कर सकता है, 5-10 मिनट में ड्राई हो जाएगा। अब हमारे फेस मसाज हो गया है, हम आराम से फिंगर्स का मसाज कर लेते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा अच्छे से। हमारा मसाज हो गया है, अब फेस वॉश कर लेती हूँ। अब हमारा सेकेंड स्टेप है फेस पैक। 2 टेबलस्पून कर्ड में 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ले लिया, कोई भी कॉफ़ी पाउडर ले सकता है। इसको अच्छे से मिला दीजिए, अप्लाई करने का टाइम ब्रश से भी कर सकते हैं, नहीं हो तो फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इधर फिंगर्स ही यूज़ कर लेती हूँ, एंजॉय करते करते कर लेती हूँ। कोई भी फेस पैक आप बिलीव करके कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसको अप्लाई करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वाटर से फेस वॉश कर लीजिए। कोई भी सोप यूज़ मत कीजिए और फेस वॉशर भी नहीं यूज़ करना है, ये वाला ही नहीं है, कोई भी फेस पैक यूज़ करने के बाद मिनिमम 8 आवर्स के लिए आप कुछ भी सोप और फेस वॉश नहीं यूज़ करने और मेकअप भी नहीं करना चाहिए था, उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम इतना करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, आप तुरंत ही आप केमिकल्स लगाएगा तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब हमारा फेस वॉश हो गया है, 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं हम इसको। भूमि उठ के मेरे पायल से खेलने लगी है ना बाबू। कोई भी लाइट ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं, इवन ट्यूबलाइट भी। सिर्फ वाटर से वॉश किया मैंने, अब उसके बाद मैंने बाथ ले लूँगी, उस समय में भी मैं सोप नहीं यूज़ करने वाला हूँ आज पूरा दिन। आप देख सकते हैं कितना हाइड्रेट हो गया हमारा स्किन। क्या खा रहे बाबू, गोल्ड फिंगर्स? क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? नीचे मेरा चप्पल पहन रही है। डीजे टिल्लू क्या कर रही है? पावर गॉन। भूमि को पता चलता है जब फैन रोटेट नहीं होता है ना, वो समझ जाती है पावर गॉन। ना बाबू, लास्ट लास्ट है ना, ना बंगर तो लिखा दो, आ जा रहा। क्या कर रहे हो बाबू? भूमि, अरे अरे अरे, आराम से बैठ के खेलना ठीक है, मम्मा थोड़ा सा काम है करके आएगी, ठीक है ना बाबू। भूमि खाना खा लिया, बैठ के खेल रही है, तो फटाफट में भी थोड़ा सा काम है वो भी कर लेती हूँ। मतलब 90% पैकिंग तो हो गया है और 10% बचा है, वो ही है भूमि का छोटा मोटा सामान होता है ना, मेडिसिंस होता है वगैरह वगैरह, वो भी पैकिंग करना है, इसलिए पैकिंग करके उसके बाद आपसे मिलूँगी। अब पैकिंग हो गई है भूमि का सामान,
आ जाइए, आपको दिखा दूंगी क्या क्या रखी हूँ भूमि के लिए मैंने। आ जाइए देख लीजिए, ये है, ये भूमि का मेडिसिन से भूमि के लिए ग्लास और वन स्पून ऑल्सो आई केप्ट सो दैट इन ट्राइंग शी कैन ड्रिंक वाटर और मिल्क एंड दीज आर हर साइड फूड, मतलब केक्स बिस्किट्स है। ये टम्बलर और ये एक्चुअली मैं बेबी रब यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इनकी पापा लेके आया, अब देख लीजिए अब आ गई भूमि लेने के लिए, रुको भूमिया, इनके पापा लेके आया ट्राई करने के लिए। एक्चुअली मैं प्रिफर नहीं करती हूँ, लेकिन वो लेके आया, देख लेंगे हो सकते तो, मतलब अभी तक तो तबीयत ठीक है, तो कभी अभी होता है ना सडनली गांव जा रहे हैं तो वाटर का डिफरेंस चेंज हो सकता है, उसी समय कफ और कोल्ड हो सकते हैं, इसी वजह से वो ले रही है, ले लिया था, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ, पहली बार ट्राई करना है भूमि के लिए, जब होगा तो ट्राई करेंगे। यही है भूमि के लिए, ये है डायपर रैश है, रैश क्रीम होते हैं ना वो वाला, ये भूमि के लिए इफ़ इन केस शी विल गेट एनी हीट बॉल्स लाइक दैट, इसीलिए प्रिकली हीट बेबी पाउडर है हिमालया का, और इसके लिए रैश आते तो मैंने यही यूज़ करती हूँ, बॉडी में कुछ रैश वैश होते तो कैलो सॉफ्ट है, एलोवेरा से बनता है एक्चुअली, ये भूमि के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छे से यूज़ होती थी। ये टिश्यूज है, ट्राइन में यूज़ होगा, और ये है भूमि के लिए विटामिन डी और सब कुछ है डेली यूज, और ये है इफ़ इन केस एसी है ना ठंडा लगेगा तो, जर्किन है मेरे लिए, शॉल है, और भूमि के लिए हेयर बैंड्स है। ये है भूमि का सामान, भूमि का इम्पोर्टेंट थिंग्स है सब कुछ इसी बैग में रख लिया है मैंने, अब झंझट नहीं होगा ट्रेन में, दिक्कत नहीं होगा, नहीं होते तो सूटकेस एक ही है, मतलब मेरा सूटकेस और उसका सूटकेस है, उसी में ट्रॉली में रखना, मतलब बार बार निकालना भी पड़ेगा, अब इसी में मैं जाने के समय ना डायपर्स भी रख लेती हूँ। अब भूमि के लिए पैकिंग हो गया है, मेन प्रॉब्लम यही है ना, भूमि को कुछ भी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी बच्चों को प्लेस चेंज होने के वजह से स्टमक पेन होता है, फीवर होता है, कोल्ड एंड कफ आने का चांसेस होता है, सभी बच्चों को नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को हो जाते हैं, इसलिए मेरे को कुछ चांस लेना चाहती हूँ भूमि में, इसलिए सब कुछ एक ही बैग में रखी हूँ, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना वो, बार बार ढूंढने का झंझट नहीं होगा ट्रेन पे, इमरजेंसी होती तो, इसका खाने पीने से लेके चम्मच और ग्लास सब कुछ रख लिया मैंने वो ये वाला बैग में, वो वाला बैग मेरे पास ही रहेगी। इधर देख लीजिए भूमि क्या कर रही है, से बाय, से बाय भूमि, अरे छोटा बच्ची। आज का व्लॉग है ना इधर ही बंद करेंगे, कल मिलेंगे फिर से एक नया व्लॉग में भूमि के साथ, आई होप सो आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, आप चैनल का नया होते तो पहला हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हम इंतजार करते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग इधर ही बंद करेंगे, कल मिलेंगे फिर से एक नया व्लॉग में भूमि के साथ, भूमि का हरकत के साथ, तब तक नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।